नमस्कार। आज हम नव दुर्गा की ऊर्जा से अपने चक्रों को ऊर्जित करने का अभ्यास करेंगे। मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी शैलपुत्री स्वयं के शरीर को स्थिर बनाए रखें। मूलाधार चक्र पर अवधान बनाए रखना है। देवी ब्रह्मचारिणी प्रकृति का प्रतीक है। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र के स्थान पर होती हुई अनुभूतियों का अनुभव करते रहे। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देवी चंद्रघंटा मणिपुर चक्र की देवी। मणिपुर चक्र पर पूर्ण रूप से अवधान लगाए। स्वयं के शरीर को स्थिर बनाए रखें।
सौर जाल की गतिविधियों का अनुभव करें। माँ कुष्मांडा हृदय में निवास करती है। माँ कुष्मांडा हृदय चक्र को, अनाहत चक्र को जागृत करती है। अनाहत चक्र पर अवधान लगाएं। अपने हृदय की धड़कनों की अनुभूति करें। देवी स्कंद माता विशुद्ध चक्र की देवी है। विशुद्ध चक्र पर अवधान लगाएं। विशुद्ध चक्र के स्थान पर होती हुई अनुभूतियों का अनुभव करते रहे। देवी कात्यायनी तीसरे नेत्र के स्थान पर विराजित है। तीसरे नेत्र के स्थान पर अवधान बनाएं। देवी कालरात्रि बिंदु चक्र की देवी है। देवी कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप है। मन का अवधान मस्तक के केंद्र पर बनाए रखना है। मस्तक के केंद्र के स्थान पर क्या अनुभूति हो रही है उस पर
मन को केंद्रित करें। देवी महागौरी मोक्ष और मुकुट चक्र की देवी, पवित्र सफेद गाय पर सवार जो शुद्धता का प्रतीक है। महागौरी, उन्होंने अहंकार को नियंत्रित किया है। वे मोक्ष प्रदायिनी है। समय की मोह माया को नष्ट करने के बाद मुक्ति के अंतिम चक्र से जुड़ने के लिए शिव शक्ति अर्धनारीश्वर का आवाहन करें। माँ गौरी मुक्ति के लिए माया की भ्रांतियों को नष्ट करने के लिए आशीर्वाद की वर्षा सहस्त्रार पर बरसा रही है। देवी सिद्धदात्री शुद्धता के कमल पर विराजित स्वयं के पूर्ण रूप को जान चुकी है। परमात्मा के साथ अद्वितीयता को यहीं अनुभव किया जाता है। देवी सिद्धदात्री की कृपा से गूढ़ सिद्धियां एवं रहस्यमय दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमें हमारी पूरी क्षमता और असली स्वरूप को समझाने के लिए देवी सिद्धिदात्री हमारे द्वादश पर विराजित रहती है।
देवी सिद्धिदात्री का आह्वान करें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने द्वादश के स्थान पर अनुभूतियों का अनुभव करें। मेरुदंड पर अब ध्यान केंद्रित करें। संपूर्ण मेरुदंड शक्ति और ऊर्जा से सराबोर है। इस समय जीवन में यदि कोई कामना, आकांक्षा, कोई इच्छा हो तो अभिव्यक्त करें। और नव दुर्गा से तथास्तु का आशीर्वाद प्राप्त करें। सामान्य सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। यदि आप चाहें तो थोड़ा समय ऐसे ही विश्राम करें, अन्यथा ध्यान से बाहर आ जाएं।